देखें, ये इशू सिंध रिलेटेड नहीं है, इस बात को मैं ऐसे नहीं लेता, क्योंकि अब हर सूबे में अपनी अपनी कोटा का हिसाब है, उस हिसाब से देते हैं। सिंध में कभी कभी तो लोग ओपन मेरिट में भी आ जाते हैं, कभी कभी सिंध का जो फर्स्ट है वो 8 से शुरू होता है, कभी कभी तो पाकिस्तान नंबर 1 भी आए हैं, जैसे हमारे PSP भी हैं एक दो, उन्होंने भी पाकिस्तान टॉप की थी, और DMG में तो काफ़ी हैं। तो इसके अलावा मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान स्पेसिफिक इशू है। आप देखें ना, परसेंटेज आप देखें, हमारे टाइम पे मैं आपको बता रहा हूँ कि 500 प्लस लोग पास हुए थे पूरे पाकिस्तान में, उनके पास वैकेंसीज जो थी वो 225 थी। अभी भी वैकेंसीज उतनी हैं, लोग कम पास होते हैं। इस साल तो फिर भी बेहतर रिजल्ट आया है मेरे हिसाब से, पिछले साल तो और लोग बिल्कुल 1% से भी कम हो गए थे, और जितने पास हुए थे सब के सब एलोकेट हो गए, यानी कि कंपटीशन तो है ही नहीं। आते हैं सिंध की बात। सिंध का जो है अभी माहौल, मैं पहले भी कहा कि बहुत चेंज हो गया है। अब वो लोग सिंधी उठा रहे हैं जो सिंधी कभी पढ़े नहीं, मिसाल वो शहरों में रह रहे हैं, या उर्दू उठा रहे हैं उस तरह की नहीं पढ़े, या लोग लिटरेचर पढ़ते हैं ऐसी यूनिवर्सिटी में जो थकी हुई यूनिवर्सिटी है, उसमें इंग्लिश ना सीखते हैं ना लिटरेचर को समझते हैं, सब्जेक्ट उठा लेते हैं इस बेस पे कि हमारा यूनिवर्सिटी में सब्जेक्ट था। ऐसे भी नहीं है ना, इसको आपको नए सिर करना पड़ता है हर चीज़ को, यू हैव टू बिगिन फ्रॉम दी स्क्रेच। तो इसमें मेरा ये ख्याल है कि सिंध में तो एकेडमीज़ का भी एक फुकदान है, जो एकेडमीज़ हैं वो भी उस लेवल की नहीं है कि पाकिस्तान लेवल के कंपटीशन को वो इनक्रेज करें, मैनेज करें या किसी को इंस्पायर कर सकें, लेकिन वो अपने हिसाब से जो उनका हाल है वो कोशिश करते हैं कि इन लोगों को बताएं। मेरे हिसाब से CSS के लिए, ये मेरी बात इम्पॉर्टेंट है, आप लोग जो भी सुनने वाले हैं गौर से सुनें, CSS को सिवाय उनके मैं एक्सेप्शन कहता हूँ जिन्होंने पोजीशनें ली हैं, जिन्होंने लोहा बनवाया है, बाकी तो काफ़ी लोग एक्सीडेंटली भी आ जाते हैं, उनका बाहर से पढ़ के आया, 2-3 महीने पढ़ा और हो गया, उसको CSS के फलसफे से कोई लेन देन नहीं, उसका बैकग्राउंड अच्छा था वो हो गया। कुछ हम जैसे लोग हैं जो ज़ीरो स्टार्टर हैं, और हम लोग बन गए केस स्टडी। हमें तो इस केस स्टडी, हमारे तजर्बे से हर बंदे को हमारा तजर्बा भी काम नहीं आएगा, जो हम जैसा होगा उसको तजर्बा हमारा काम आएगा, नंबर एक। नंबर दो, जो भी एकेडमीज चला रहे हैं उनसे मेरी ये दरख्वास्त है कि भाई आप ना पेपर सेटर हो ना आप पेपर चेक करो, आप अपने CSS के एक्सपीरियंस का चूरन बेच रहे हो, ठीक है ना। असल में पढ़ाना CSS की एकेडमी में उन लोगों को चाहिए जो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, जो किसी दौर में CSS के पेपर सेटर रहे हैं या पेपर चेक कर रहे हैं, ताकि वो उनको बता सकें स्टूडेंट्स को कि भाई हम क्या चेक करते हैं, हमारा क्राइटेरिया क्या है। ये तो किसी को पता ही नहीं है ना। अब मिसाल के तौर पर मेरे नंबर आ गए 70s 80s में ऐसे में एग्जांपल, या इंग्लिश कंपोजिशन में, तो मैं आपको अपने आप को अथॉरिटी समझ लूँ और दूसरी दफ़ा बैठूँ तो मेरे 45 नंबर आए, तो मेरी तो अथॉरिटी गई, मेरी तो साइंस गई, मेरा तो कोई फार्मूला ही नहीं है, ये तो लक लग गया, मेरा चांस लग गया, कोई टॉपिक ऐसा आ गया जो मुझे आता था, अच्छा मैंने लिख दिया तो मैं अब ऐसे पढ़ाने लग गया हूँ। मैं CSS स्टूडेंट्स को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि हम जैसे लोगों से ना पढ़ें। आपको अगर कामयाब होना है तो आपने हमसे एक्सपीरियंस का पूछना है तो बेशक पूछें, जब पढ़ना है तो आप उन लोगों से पढ़ें जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में 5 साल 10 साल एज ए पेपर चेकर, एज ए पेपर सेटर गुजारे हों। इसके अलावा बाकी सारा चूरन बेचने वाली बात है और सारा ये विंडो ड्रेसिंग है, और इसमें मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी चीज़ पढ़ाई जाती है। मैंने लोगों को पढ़ाते हुए भी देखा है, आउटलाइन बता के चले जाते, बाकी तो बच्चा जाके खुद पढ़े और 2 घंटे ज़ाया कर रहा है वो बैठ के, ऑनलाइन बैठा हुआ है, मुंह खुला हुआ है उसका, ऑनलाइन बैठा हुआ है कि ये मुझे इंजेक्शन लग रहा है, बस ये नॉलेज जा रही है और इससे मैं काम चला लूँगा। ये नहीं चलेगा। अगर आपको वाकई करना है तो आप बेशक किसी प्राइवेट टीचर के पास चले जाएं, यूनिवर्सिटी के बाद टाइम लें, अगर वो ट्यूशन नहीं पढ़ाता तो उससे इंगेज करें, उससे अपनी चीज़ें दिखाएं, वो एक सिटिंग में आपको ऐसी चीज़ें बता देगा
कि आप हैरान रह जाओगे, मैं कभी किसी एकेडमी में नहीं पढ़ा, लेकिन मैंने इंग्लिश के टीचर्स जो हैं उसमें मैं मरहूम कलंदर शाह साहब थे हमारे सिंध यूनिवर्सिटी के, उनके पास मैंने काफ़ी सिटिंग्स की, उन्होंने मुझे समझाया कि इंग्लिश है क्या, हालांकि ना मैं इंग्लिश डिपार्टमेंट में पढ़ा कभी, और उसके साथ भी मेरी टोटल मिला लें आप तो 7-8 सिटिंग्स होंगी मुख्तलिफ औकात में। उसके बाद एक महीने के लिए मैं लाहौर गया, साथ मेरी 4-5 सिटिंग्स होंगी जो उन्होंने मुझे बताया। देखो लोग आपको बताएंगे, समझना आपका काम है, उनको आपकी आपकी जगह एग्ज़ाम नहीं देना, एग्ज़ाम आपने देना है, वो पिक करना है कि ये आखिर चाहते क्या हैं, इनको क्या चाहिए, इनको क्या समझ में आता है। कुछ लोग तो करते हैं कैंडिडेट्स बड़ी मुश्किल इंग्लिश लिखते हैं, बड़े बम्बास्टिक वर्ड्स लिखते हैं, ये फील करते हैं कि मुझे इतनी वेकेबलरी आती है कि पढ़ने वाले को भी नहीं आएगी, बड़ा इम्प्रेस होगा, वो बहुत गुस्सा होता है। से व्हाट यू मीन एंड क्लियरर इज़ बेटर। कुछ भी आप लिख लें मुश्किल, आपको उसमें नंबर नहीं मिलेंगे, आपसे जो पूछ रहा है ना वो क्लियरली उसको बताओ कि ये इसका जवाब ये है, और उसमें जो जोहर आपने खिलाने हैं वो खिला लें, जो आपने रिसर्च की है, जो आपने किताबें पढ़ी हैं उसको तरीके से उसको कंस्ट्रक्ट करें और आर्टिकुलेट। एक 500 से 600 वर्ड्स का आपका आंसर होना चाहिए, 3 से 4 पेज, इससे लंबी नहीं करें, फोकस लिखें, बाकी मतलब आपकी कामयाबी का मेरे हिसाब से यही राज है, जिसको पढ़ाना आता है उससे पढ़ें, जो खुद आपकी तरह स्टूडेंट है, एक बंदे ने इंटरव्यू दिया है और एकेडमी में पढ़ा रहा है, अब उसको ये भी पता नहीं मेरा ग्रुप कौन सा आएगा, जो उसने पढ़ा लिया अगर गलत पढ़ा लिया तो अगले तो गए, उनका सॉफ्टवेयर फिर अपडेट करने में बड़ा टाइम लगेगा। तो लिहाजा मेरी आप लोगों से ये गुजारिश है कि आप लोग उन लोगों से पढ़ें जो रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, जिन्होंने इंग्लिश पे पूरी ज़िंदगी दी है, अगर इंग्लिश पढ़ रहे हैं, अगर आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो भी उनसे पढ़ें, सोशियोलॉजी पढ़ रहे हैं तो भी उनसे पढ़ें, उनको पता है सब्जेक्ट क्या है। एक मेरे जैसे जेक ऑफ ऑल ट्रेड को ये नहीं पता कि सब्जेक्ट क्या है, मैं तो जनरली बात करूंगा कि मैं इतने घंटे पढ़ता था, मैं ऐसे स्कूल जाता था, इससे कुछ नहीं होगा, फ़ायदा नहीं होगा।